हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फार्मा बॉक्स। ह्यूमन बॉडी, इसे डिफाइन करना बहुत ही टफ टास्क है, पर एक सिंपल सी डेफिनेशन है। सबसे पहले तो ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, राइट, पर वेल डिफाइंड भी होती है। इसका मतलब है कि जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए वहीं पर होती है। जैसे आपकी आंखें, आईज होती है ना, वो आपके फेस पर होती हैं, आपके हाथ पर नहीं होती। उसी तरह आपकी टांगें आपकी लोअर बॉडी में होती हैं, आपके सिर पर नहीं होती। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं पर होती है। कॉम्प्लेक्स वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जो कि हाईली ऑर्गेनाइज होता है। ये बना होता है ढेर सारे यूनिक सेल से, और उन सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। वो फंक्शन सपोर्ट करते हैं आपकी लाइफ को, ताकि ह्यूमन बॉडी को सस्टेन किया जा सके। सो ऑल इन ऑल, ह्यूमन बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेल डिफाइंड एंड हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ यूनिक सेल्स, एंड दीज यूनिक सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस विच आर नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ। HAP के सब्जेक्ट को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अब इन टर्म्स का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। एनाटमी का मतलब होता है कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। कौन से पार्ट कहाँ पर हैं, वो उनका कॉम्पोजिशन क्या है, किस किस चीज़ के बने हैं, कैसा टिश्यू है उसमें, कैसे सेल्स हैं उसमें, कैसा फ्लूइड है उसमें, राइट। तो उन पूरे कॉम्पोजिशन की जो पढ़ाई होती है उसे हम एनाटमी में करते हैं। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इन्वॉल्व स्टडी ऑफ फंक्शन। मतलब यहाँ पर तो आपने बॉडी पार्ट्स पढ़ लिए एनाटॉमी में, पर उन बॉडी पार्ट्स का काम क्या है, फंक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वो बॉडी में क्या काम करते हैं, उसे हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में, राइट। जैसे कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है? वो आपके नेक के पास है, राइट, आपके लैरिंजियल बॉक्स के नीचे है। तो ये कहाँ से पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें एनाटॉमी से। पर उस थायराइड का काम क्या है, राइट, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को कैसे रोल करता है, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। फंक्शन फिजियोलॉजी का पार्ट है, और उसके जो कॉम्पोजिशन है वो एनाटॉमी का पार्ट है। एनाटॉमी के फादर इज़ हेरोफिलस, पर ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, राइट, जो ग्रीक फिलोसफी में आता है। द फादर ऑफ एनाटॉमी इज़ हेरोफिलस, बट द फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी इज़ एंड्रियस विसेलिस। उसी तरह फादर ऑफ फिजियोलॉजी इज़ विलियम हावे। विलियम हावे वही हैं जिन्होंने ये बताया था कि जो ब्लड है वो बॉडी में सर्कुलेट करता है और एक जगह स्टेग्नेंट नहीं होता, खड़ा हुआ नहीं होता। जैसे हार्ट होता है ना, हार्ट बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ताकि पूरी बॉडी में आपका जो बॉडी फ्लूड है, जो ब्लड है, वो सर्कुलेट होकर पूरा न्यूट्रिशन या फिर एक्सक्रीशन का जो भी काम होता है उसे कैरी आउट करता है। ये बात हमें बताई थी विलियम हावे ने। सो ही इज़ द फादर ऑफ फिजियोलॉजी। इसी तरह एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम सब ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं ताकि हम उसे इजीली पढ़ सकें। एनाटॉमी में हमने कहा था कॉम्पोजिशन, तो बॉडी में कितने पार्ट्स हैं, ढेर सारे पार्ट्स हैं। अब उन सारे पार्ट्स को आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, उन्हें छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। साइटोलॉजी, साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स टू स्टडी। द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज साइटोलॉजी, एंड साइटोजेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं सेल के जीनोम के कॉम्पोजिशन को, और ये भी पार्ट होता है एनाटॉमी का। साथ ही साथ हमारे पास है हिस्टोलॉजी, हिस्टो मतलब टिशू, लॉजी मीन्स टू स्टडी। टिशू के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, ए डॉट का मतलब है एनाटॉमी। पैथोलॉजी का मतलब हमेशा डिजीज से आता है, तो डिजीज़ बॉडी में कैसे डेवलप करती है उसे हम पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में पढ़ते हैं। रेडियोग्राफिक, इसमें हम रेडिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एक्सरेज है, अल्ट्रासाउंड है, MRI स्कैन है। अब इन सारे स्कैन में ना जो इमेजेस बनती है वो अलग अलग इमेजेस बनती है, हर ऑर्गन की अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। जैसे एक्सरे में आप बोन्स को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, अल्ट्रासाउंड में आपके पास जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं आप उन्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से देख सकते हो। MRI इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। MRI में बहुत अच्छे से जो इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं ना उनमें भी अगर कोई खामियां हो तो वो बहुत अच्छे से दिख जाती हैं, और इन सब में हम यूटिलाइज़ करते हैं रेडिएशंस को। ग्रॉस एनाटॉमी, इसमें हम ग्रॉस का मतलब है क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस का मतलब होता है ढेर सारी चीज़ें, तो एक रीजन को इसमें कवर किया जाता है। जैसे ऑस्टियोलॉजी आती है इसमें, ऑस्टियोलॉजी मीन्स हड्डियों की बढ़ाई। बॉडी में जितनी भी हड्डियाँ हैं, आपके स्कल से लेकर आपके पैर के टो तक, तो जितनी भी बोन्स होती हैं ना, उन सब की पढ़ाई हम करते हैं ऑस्टियोलॉजी में। कैडावेरिक स्टडी, जो पोस्टमार्टम में हम करते हैं, बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, उसमें पूरे कैडावर को आपको पढ़ना पड़ता है, तो वो चीज़ आती है ग्रॉस एनाटॉमी में। माइक्रोस्कोपिक में आती है 10^-6 मीटर तक की यूनिट, राइट। तो इसमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोप, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं टिश्यू के अंदर, जो छोटी कैपिलरीज होती हैं, उनकी कॉम्पोजिशन को देखा जाता है।
सिस्टमिक एनाटॉमी, इसमें हम पूरे सिस्टम को इंक्लूड करते हैं, जैसे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, पूरी स्किन पढ़ेंगे, पूरी स्किन पढ़ेंगे, आपकी सर की स्कैल्प की स्किन अलग होती है, आपके पैरों के तलवों की स्किन अलग होती है, तो जिस जिस टाइप की स्किन पूरी बॉडी में होती है उस पूरे सिस्टम को हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में पढ़ते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, आपके माउथ से लेकर आपकी गट तक, तो जितने भी गट होते हैं, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, जितना भी पाथवे हैं, उन सबका कॉम्पोजिशन कैसा है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी में पढ़ते हैं. स्केलेटल सिस्टम में हम मसल्स और बोन्स को पढ़ते हैं. उसी तरह फिजियोलॉजी को भी सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है. पैथोफिजियोलॉजी मतलब बॉडी में एक डिजीज जो है वो कैसे बन रही है और कैसे डेवलप हो रही है, उसे पढ़ते हैं. न्यूरोफिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे हमारी न्यूरो सिस्टम का फंक्शन. डेंटल फिजियोलॉजी में आपके जो दांत होते हैं, आपकी जो ओरल कैविटी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे. इम्यूनोलॉजी में डिफेंस का सिस्टम होता है. पल्मिनरी में लंग्स का फंक्शन देखेंगे. एंडोक्राइनोलॉजी में आप हार्मोन जो डेवलप करते हैं ऑर्गन्स, उनके बारे में पढ़ेंगे. नेफ्रोलॉजी, रिनोलॉजी, इसमें आप किडनी और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके फंक्शन के बारे में जानते हैं. हिपैटोलॉजी में आप लिवर के बारे में जानते हैं. नेक्स्ट वी हैव स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. इस सब्जेक्ट से हमें क्या फ़ायदा होगा, राइट? सबसे पहले तो ये बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन की जो नॉलेज होती है उसे हमें उसे इन्हांस करेगा. साथ ही साथ बॉडी में जितने भी डिजीजेज और डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी डिटर्मिनेशन के लिए भी हेल्प करता है. जैसे मान लीजिए किसी को मोटापा हो गया, तो हम कहते हैं ना इसमें डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर हो सकता है कि नहीं थायराइड की दिक्कत ज़्यादा है. तो उन डिसऑर्डर्स को कैसे एक दूसरे के साथ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के साथ रिलेट किया जाए, तो उनकी डिटर्मिनेशन में भी ये सब्जेक्ट हमारी हेल्प करता है. साथ ही साथ जो डिजीजेस होती हैं, इन्फेक्शस डिजीजेस होती हैं, उनकी पैथोलॉजी मतलब वो कैसे डेवलप हो रही हैं, किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर रही हैं और कैसे आगे बॉडी के फंक्शन को भी वो अफेक्ट कर रही हैं, उसे भी हम इसके थ्रू जान सकते हैं. जो भी नई सर्जिकल या फिर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स बनती हैं उनके लिए बेसिक यही सब्जेक्ट होता है. अगर आपको पता नहीं होगा कि आपकी बॉडी में कितनी लेयर्स हैं, तो आप कैसे जान सकते हो कि जो सर्जरी के लिए आप कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो वो कितना शार्प होना चाहिए, कितना शार्प नहीं होना चाहिए, राइट? उसके लिए भी आपके पास जो बेसिक नॉलेज होती है वो इसी सब्जेक्ट से आती है. ये रिसर्च और डेवलपमेंट में भी आपको असिस्ट करता है. साथ ही साथ जो भी आपकी बायोलॉजी की फील्ड में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें एविडेंसेस देनी पड़ते हैं, उनकी एफिशिएंसी को भी यही सब्जेक्ट पढ़ाता है. जब भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज अच्छी है तो आप अपने एरर्स और मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं, उसमें भी यही सब्जेक्ट आपकी हेल्प करता है. साथ ही साथ ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी देता है ह्यूमन बॉडी की और उसकी फंक्शनिंग को जानने की, जिसके थ्रू आप एक अच्छी लाइफ को जी सकते हैं. ये जो भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं ना ह्यूमन के अदर बींग्स के साथ, जैसे चिंपैंजी है या फिर एप्स है या फिर मंकीज़ है, उनके साथ हमारा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, हमारी बॉडी में कितनी प्रोटीन सेम है और हमारी बॉडीज़ के कितने कितने लिम्ब्स हैं, उनका फंक्शन कैसा है, उनके फंक्शन कैसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं, वो भी हम इस सब्जेक्ट के थ्रू जान सकते हैं. नेक्स्ट इज़ जब इन्वेंशन. जब भी हम कोई इन्वेंशन कर रहे हैं फॉर दी ह्यूमन हेल्थ केयर, तो उसके लिए अगर आपको ह्यूमन की बेसिक बॉडी के बारे में ही पता नहीं है, राइट, अगर आपको ये नहीं पता कि ह्यूमन की बॉडी कैसे बनी है और कैसे फंक्शन करती है, तो आप उसके लिए कोई भी नई इन्वेंशन कैसे बना सकते हो. जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के लिए आपको ब्लड टेस्ट करना पड़ता था कि आपको शुगर का पता चल सके, तो पहले आपको ब्लड ड्रॉ आउट करना पड़ता था बॉडी से, तो वो यू नो पेनफुल होता था, पर अब ऐसा नहीं है. जैसे अब नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, नई नई मेडिसिन आ चुकी हैं, जिसके लिए आपको प्रिकिंग की ज़रूरत नहीं है, ब्लड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. क्यों? क्योंकि उसमें एक टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन जो होता है उसका बेसिस ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट से लिया गया है और नई नई इन्वेंशंस को बनाया गया है. नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रक्चर का मतलब है ह्यूमन बॉडी और लेवल का मतलब है किस स्टेटस की है वो, राइट, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें. सबसे पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिपेंड करती है एवोल्यूशनरी क्रोनोलॉजी पे. एवोल्यूशन मतलब जो आप अपने आप को अडेप्ट करते हो. क्रोनोलॉजी का मतलब है विद टाइम. विद टाइम बॉडी में कैसी अडेप्टेशंस हो रही हैं वही दिखाती हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को. तो सबसे पहले हम कौन सा लेवल पढ़ेंगे? सबसे छोटा लेवल, स्मॉलेस्ट लेवल. तो जब हम कहते हैं कि इस अर्थ पर लाइफ थी ही नहीं, तो क्या था? रिडक्टिव इन्वायरमेंट था और उसमें केमिकल्स ही केमिकल्स थे. तो वो आता है स्मॉलेस्ट लेवल. स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ केमिकल. जैसे कि पहले वो एटम थे, एटम एक दूसरे के साथ मिलने लगे और उन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए. इन मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया और ढेर सारे कंपाउंड्स बनाए. ये कंपाउंड्स बाद में धीरे धीरे सेल में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, नेक्स्ट लेवल इज़ सेल. और वो हुआ कैसे?
केमिकल्स, जितने भी अलग अलग टाइप के केमिकल्स थे ना, वो उन सब ने अपने आप को एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड कर दिया, और वो मेम्ब्रेन बनी हुई थी लिपिड्स की. जैसे ढेर सारे कंपाउंड्स है, कोई लिपिड है, कोई डीएनए है, कोई कार्बोहाइड्रेट है, राइट. तो ढेर सारे कंपाउंड्स एक साथ कलेक्ट हो गए और लिपिड ने उसके उसके सराउंडिंग में एक लेयर बना दी. तो ऐसे करके एक सेल की तरह स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें बाहर लिपिड है और अंदर बाकी के कंपाउंड्स हैं. उसे हम कहते हैं सेल. सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं है तो वो लिविंग है ही नहीं. क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है लाइफ की यूनिट. फंडामेंटल होना ही चाहिए, स्ट्रक्चर मतलब जो ऑर्गेनिज्म उसका स्ट्रक्चर भी सेल ही बनाता है, साथ ही साथ सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो ही उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ को फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है. सेल प्रोकैरियोटिक हो सकता है या फिर यूकैरियोटिक हो सकता है. प्रोकैरियोटिक वो होता है जिसका जीनोम वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब वो एक मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होता. पर यूकैरियोटिक, जैसे ह्यूमन बीइंग है, हमारा जो जीनोम है, हमारी जो डीएनए है, वो मेम्ब्रेन बाउंड है. हमारे पास न्यूक्लियस होता है, जो कि उस न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, ओके. पर प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता. ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है. नेक्स्ट लेवल, तो पहले आया केमिकल्स, केमिकल से बने सेल. सेल एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने बनाया टिशू, ठीक है. केमिकल्स इकट्ठे हुए, उन्होंने बनाया सेल. सेल इकट्ठे हुए और उन्होंने बनाया टिशू. तो टिशू इज द सेल्स ऑफ सिमिलर ओरिजिन, ऑलवेज सेल्स ऑफ सिमिलर ओरिजिन कंबाइंड विद ईच अदर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन. एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए ढेर सारे सिमिलर ओरिजिन के सेल्स साथ में आते हैं और टिश्यू बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एपिथीलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ठीक है. अब टिश्यू एक साथ इकट्ठे होते हैं और बनाते हैं ऑर्गन को, जो कि है हमारा नेक्स्ट लेवल. डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मतलब कनेक्टेड टिश्यू एपिथीलियल के साथ मिल गया, या फिर एपिथीलियल टिश्यू मसल टिश्यू के साथ मिल गया, ठीक है. डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कम टुगेदर टू एंड कंबाइन इन अ फॉर्म टू मेक ऑर्गन. और ये ऑर्गन बनाते क्यों हैं? ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है. अच्छा, ये भी तो टिश्यू भी तो पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा था, पर टिश्यू जो फंक्शन कर रहा था उसकी कम्प्लेक्सिटी और ऑर्गन जो फंक्शन कर रहा है उसकी कम्प्लेक्सिटी में दिन रात का फर्क है. टिश्यू की जो हम कहते हैं एफिशिएंसी कम होती है, पर ऑर्गन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, राइट. अगर मैं आपके हार्ट में से थोड़ा सा टिश्यू निकाल दूं, तो कोई दिक्कत होगी? नहीं. पर अगर मैं आपका हार्ट ही निकाल दूं, पूरा ऑर्गन ही निकाल दूं, तो दिक्कत होगी, ऑफकोर्स, राइट. तो ये डिफरेंस होता है टिश्यू और ऑर्गन में. तो हमारे पास ऑर्गन के एग्जांपल कैसे आ गए? लिवर है, स्किन है, ब्रेन, पैनक्रियास, स्टमक, एंडलेस एग्जांपल्स, जितने लिखने हैं लिख सकते हो आप. ऑर्गन भी एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. किस लिए? वो भी एक स्पेशल स्पेशल फंक्शन होता है, पर कोऑर्डिनेट वे में करता है, होता है. तो मैनी ऑर्गन्स दे जॉइन टुगेदर एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक लाइफ इसेंशियल प्रोसेसेस, ठीक है. जैसे हमारी बॉडी में मान लीजिए ढेर सारी टॉक्सिन्स है, राइट, होते ही हैं. आप खाना खाते हो या फिर आप सांस ले रहे हो, तो बॉडी में कुछ ना कुछ फॉरेन पार्टिकल्स जाते ही जाते हैं, तो टॉक्सिन्स बन गए बॉडी के अंदर. तो टॉक्सिन्स निकालना सिर्फ एक ऑर्गन का काम थोड़ी ना होता है. जैसे फैमिली में ढेर सारे लोग एक साथ मिलके काम करते हैं ना, टीम वर्क होता है, उसी तरह हमारे ऑर्गन्स भी टीम वर्क की तरह काम करते हैं. कुछ बोलते हैं अच्छा मैं फिल्टर कर दूंगा, कुछ बोलते हैं अच्छा मैं इसे कैरी कर लूंगा दूसरी जगह ले जाने के लिए, कुछ बोलते हैं अच्छा मैं इसे बॉडी से बाहर निकाल दूंगा. तो वैसे करके जो अलग अलग ऑर्गन एक साथ कोऑर्डिनेट होकर फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, रीनल सिस्टम में होते हैं हमारे पास किडनी. किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिया को हटा देती है. उस यूरिया को स्टोर कौन करता है? यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर से उसे बॉडी से बाहर कौन ले जाता है? यूरिथ्रा. तो ऐसे करके बनता है हमारे पास रीनल सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे हमारे पास ब्लड है, ढेर सारी वेसल्स हैं, हार्ट है. और उसी तरह हमारे पास और एग्जांपल आता है न्यूरल सिस्टम का. इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सारी चीज़ें एक साथ कोऑर्डिनेट होकर बॉडी की फंक्शनिंग को जज करती हैं. ऑर्गन सिस्टम से भी आगे बनता है ऑर्गेनिज्म, राइट. ये सारे सिस्टम बना के मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म. और ऑर्गेनिज्म है हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या होता है? बस वही सेम चीज़ है, बस हल्की सी चीज़ है कि सिंक्रोनाइज्ड वर्किंग होती है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम की. जो इसका पिछला वाला सिस्टम है ना, उसी को सिंक्रोनाइज कर दो नेक्स्ट वाले के लिए, तो उसका अलग लेवल बन जाता है वो. नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट बेसिक लाइफ प्रोसेसेस. ये वो प्रोसेसेस होती हैं जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन बॉडी में होनी ही होनी चाहिए. जैसे हम सांस लेते हैं, तो हम जब जगे हुए हैं हम तब भी सांस लेते हैं, और जब हम सो जाते हैं हम तब भी सांस लेते हैं, चाहे वो हमारे कंट्रोल में हो या ना हो, राइट. कुछ चीज़ें हैं जो कुछ प्रोसेसेस हैं जो हमेशा होती ही रहती हैं.
चाहे हम बीमार हो, चाहे हम कोमा में क्यों ना हो, राइट? जिंदा तो हम तब भी होते हैं, तो मतलब हमारे सेल्स में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो ही रही हैं। तो वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं उसे हम स्टडी करते हैं। सबसे पहली है लोकोमोशन, डायरेक्शनल मूवमेंट विच हेल्प्स अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे हम कहते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन टर्म स्पेसिफिकली यूज़ की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, पर मूवमेंट की टर्म यूज़ करते हैं हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जैसे कार्स हैं वो मूव करती हैं, पर ह्यूमन बीइंग्स या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूव नहीं करते, वो लोकोमोट करते हैं। इसीलिए ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। लोकोमोशन डिपेंड करता है हैबिटेट और सिचुएशन की डिमांड के ऊपर। हैबिटेट पर कैसे डिपेंड करती है? कई बींग्स हैं, एप्स हैं, कैट्स हैं, वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, वो लैंड पर चलती हैं, तो उनके लिम्स भी वैसे ही होते हैं। पर कई एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जैसे मछलियाँ हैं या फिर ऑक्टोपस हैं, वो तो पानी में रहते हैं, ओशन में रहते हैं, तो उनकी मूवमेंट, उनकी लोकोमोशन अलग तरीके से होती है। तो उसी वैसा ही सिस्टम उनको हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सिचुएशनल डिमांड। सिचुएशन की डिमांड कैसी है? क्या कोई प्रेडेटर है जो आपको कैप्चर करना चाहता है, कोई आपका शिकार करना चाहता है, तो आप भागेंगे उस टाइम, डेंजर की सिचुएशन आ गई है, राइट? तो आप भागेंगे। अगर आपके पास कंफर्टनेस है तो लेजीनेस आ जाती है, इंसान बैठ जाता है या फिर लेट जाता है, राइट? तो सिचुएशन कैसी है उसके ऊपर भी लोकोमोशन डिपेंड करती है। एग्जाम्पल्स, पैरामीशियम, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी चारों तरफ सीलिया होती है बॉडी में बनी हुई, वो लोकोमोशन करवाती है और फूड की मूवमेंट भी करवाती है इनटू इट्स माउथ, विच इज कॉल्ड एज साइटोफेरिंक्स। हाइड्रा, हाइड्रा में ढेर सारे टेंटिकल्स लगे होते हैं जो लोकोमोशन और साथ ही साथ शिकार को पकड़ने में भी हेल्प करता है। ह्यूमन, ह्यूमन में हम जो मेजर लोकोमोशन होती है वो तो मसल्स के थ्रू होती है, स्केलेटल सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और इनकी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट किया जाता है न्यूरल सिस्टम के थ्रू, राइट? पर सिर्फ ये ही, चलना फिरना ही लोकोमोशन के अंदर नहीं आता है। ह्यूमन के अंदर ढेर सारे सेल्स होते हैं, उसमें भी कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। जैसे फ्लैजिला, ये होता है स्पर्म में जो कि उसे मूव करने के लिए हेल्प करता है ताकि वो एग को फर्टिलाइज कर सके। ह्यूमन के अंदर जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं ना, उनमें सीलिया बना होता है, जैसे विंड पाइप है, फेलोपियन ट्यूब है, तो ये क्या करती हैं सीलिया? ये मूवमेंट शो करती हैं, लोकोमोशन शो करती हैं, जिसके थ्रू फॉरेन पार्टिकल को ये ट्रैप कर सकती हैं, म्यूकस को ट्रैप कर सकती हैं और उसे बॉडी से बाहर फेंक सकती हैं। फेलोपियन ट्यूब ट्रैप करता है एग को, जैसे ही वो ओवरी से रिलीज होता है ना, तो फेलोपियन ट्यूब के जो सीलियाज होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और यूट्रस की तरफ उसे मूव करवाते हैं। तो ये तो होगी लोकोमोशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस जो कि सारे लिविंग सेल्स में होती ही होती है। अब इसको हमें पढ़ना कैसे है? इसे कभी भी ब्रीदिंग के साथ कन्फ्यूज मत करना। ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस बट रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। इसे समझने के लिए हम एक सिंपल सी इक्वेशन को देखते हैं, राइट? हम खाना खाते हैं, राइट? फूड। अब उस फूड को हमें तोड़ना है ताकि हम उससे एनर्जी ले सके, वो ही काम देखा जाता है रेस्पिरेशन में। फूड इज ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं विद दी हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसे ऑक्सीडाइज करती है। जो हमने इनहेल करके ऑक्सीजन ली है वो फूड को ऑक्सीडाइज करेगी और प्रोडक्ट बनेंगे और साथ ही साथ बनेगी एनर्जी। दिस इज दी फंडामेंटल थिंग। फूड खाने से क्या मिलती है? एनर्जी। वो ही हमें चाहिए और इसे हम लिबरेट कराते हैं वाया रेस्पिरेशन। ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मेक कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम एक्सहेल कर देते हैं, मेटाबॉलिक वाटर बनता है और बनती है ATP। यही बनती है हमारे पास करेंसी जो कि हमें हेल्प करती है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी की एक्टिविटी को करवाने के लिए। रेस्पिरेशन एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और 38 ATP को जनरेट करते हैं, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा। पर कुछ रेस्पिरेशन एनारोबिक भी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इसमें ऑक्सीजन को यूज़ नहीं किया जाता, पर इसकी एक खामी है, इसमें जो एनर्जी बनती है ना बहुत कम बनती है, 2 ATP तक बनती है। अब इतनी कम एनर्जी से तो काम चलेगा नहीं ह्यूमन बॉडी का, राइट? तो ये किस में होती है? ये होती है पैरासाइट्स में, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती। एग्जाम्पल है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये यीस्ट में होती है। यीस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ फंगस, फंगस ही होती है एक। इसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में और साथ ही साथ 2 ATP बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये होती है बैक्टीरिया में, पैरासिटिक वर्म्स में। इसमें ग्लूकोज को चेंज किया जाता है लैक्टिक एसिड में और साथ ही साथ 2 ATP का जनरेशन भी होता है।
नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सेल्युलोसिक फर्मेंटेशन. इसमें सेलुलोज जो कि यूजली आपको घास में होता है ना, सेलुलोज होता है क्योंकि ये प्लांट में बहुत ज़्यादा मिलता है, वो चेंज होता है वोलेटाइल फैटी एसिड में. ऐसा देखा जाता है जो कैटल्स होती हैं ना, गाय भैंस होती हैं, उनके रूमेन में, उनका जो स्टमक होता है उसमें ढेर सारे मिथेनोजन बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इस काम को करते हैं. रेस्पिरेशन ढेर सारे फेजेज में होता है, तो उसमें होते हैं पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर आती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और सिट्रिक एसिड साइकिल. ये तीनों चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत इलैबोरेटेड होती हैं, तो जब हम नेक्स्ट यूनिट्स में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, इन्हें हम वहीं पर देखेंगे. अगली प्रोसेस है कॉन्शियसनेस. ह्यूमन बींग्स की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत स्पेसिफिक फीचर है, ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ कॉन्शियस. हमें पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे थॉट्स कैसे हैं और हम कैसा फील कर रहे हैं और हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, राइट? सो वी आर सेल्फ कॉन्शियस, ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ कॉन्शियस. तो कॉन्शियसनेस क्या होती है, लेमन लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब होता है होशो हवास में रहना, राइट? तो उसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस. पर अब हमें पेपर में लिखनी तो है, तो भाई डेफिनेशन तो वहाँ पर लिखनी पड़ेगी, तो देखते हैं ये होती क्या है. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसे स्टेट करती है कि कॉन्शियसनेस इज द स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग समथिंग, दैट समथिंग कैन बी एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन और डाटा, पर्सन्स अवेयरनेस या फिर परसेप्शन, राइट? एक ही बात होगी ये कॉन्शियसनेस. तो इसे हम लिखेंगे कैसे, द अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग बाय सेंसिंग द स्ट्यूमुलाई एंड जनरेटिंग रिस्पॉन्स टूवर्ड्स इट, दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस. इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं. ये फिंगर है और ये मान लीजिए निडल है, तो निडल और जो ये फिंगर तो मेरी बॉडी का पार्ट हो गया, तो राइट मेरा ही पार्ट हो गया, मैं ही हुई, राइट? पर जो निडल है, राइट, इसे आप निडल समझिए, ये हो गया आपकी एक्सटर्नल सराउंडिंग में आया कोई स्टिमुलस, तो ये निडल आई और इसने मुझे प्रिक किया, राइट? तो ये आ गया सिग्नल, ये है स्टिमुलस और इस स्टिमुलस ने मुझे सिग्नल दिया बाय प्रिकिंग. अब जैसे ही प्रिकिंग हुई तो क्या हुआ, मुझे पेन हुआ, राइट? मुझे सेंसेशन हुई, वो सेंसेशन जाती है आपके कंट्रोल सेंटर में जो कि आपका न्यूरल सिस्टम होता है, दिमाग होता है, तो वहाँ पे उस प्रिकिंग को क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, समझा जाएगा कि भाई ये कैसा सिग्नल है, क्या ये यूज़फुल है या ये हार्मफुल है. तो प्रिकिंग में क्या होता है, पेन होती है ना, तो अब मैं रिस्पॉन्स दूंगी. रिस्पॉन्स क्या होगा कि मुझे इस प्रिक से दूर हटना है, राइट? जैसे ही ये प्रिक हुई तो मुझे पेन हुआ, पेन को इंटीग्रेट किया मेरे ब्रेन ने और उस मुझे एक रिस्पॉन्स दिया, और वो रिस्पॉन्स क्या है कि मुझे यहाँ से दूर हटना है, राइट? तो इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती है, पहला सिग्नल विच इज़ द प्रिकनेस, दूसरा वो सिग्नल आया कहाँ पे, रिसेप्टर पे आया ना, तो रिसेप्टर ने लिया सिग्नल, वो इंटीग्रेट किया मेरे ब्रेन ने और ब्रेन ने दिया रिस्पॉन्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आती हैं कॉन्शियसनेस में. तो ये जो सिग्नल्स होते हैं, जो मैंने प्रिक किया, ये स्टिमुलस या सिग्नल किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ये बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है. फिजिकल में आपके पास मैकेनिकल स्ट्रेस है या निडल की पिंच है या रेडिएशंस हैं, वो फिजिकल स्टिमुलाई या सिग्नल बनाती हैं. केमिकल्स में होते हैं हमारे पास अल्कोहल, फैटी एसिड, एसिड्स हैं, ईथर, एस्टर, ये केमिकल स्टिमुलस बनाते हैं. जैसे कि अगर आपने किसी एसिड को छू लिया तो कितनी पेन होती है ना, इरोजन हो जाता है वहाँ पे बॉडी टिश्यू का. उसी तरह हमारे पास बायोलॉजिकल सिग्नल्स भी होते हैं जो कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस होते हैं, और ये कराते हैं हमारी बॉडी में डिजीज़, इन्फेक्शंस. कई लोग इसे सिक्स्थ सेंस का नाम भी देते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस वी विल बी हैविंग इज होम्योस्टेसिस. वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आती ही आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चाहे दो नंबर में हो, चाहे दस नंबर में हो, चाहे 20 मार्क्स का नंबर हो, पर ये आएगा ही आएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसके जितने एग्जांपल्स हो सके ना उतने करो ताकि आप इलैबोरेट कर सको अच्छे से. मैंने बहुत कंसाइज फॉर्म में दिया है, पर जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आप उसी को ट्रांसलेट करके लिखोगे तो वो एक सफाइस आंसर बना देगा. होम्योस्टेसिस, ये होमियो और स्टेसिस नाम के शब्दों से बना है, ये ग्रीक वर्ड्स होते हैं, ओके? ग्रीक वर्ड्स होते हैं. होमियो का मतलब होता है कांस्टेंट और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट, तो कांस्टेंट स्टेट का होना ही होम्योस्टेसिस होता है. फिनोमिना ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, और वो क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ढेर सारे केमिकल्स हैं, टेम्परेचर है, अलग अलग टाइप के प्रेशर्स हैं, ठीक है? उन्हें एक कांस्टेंट स्टेट में मेंटेन करने के फिनोमिना को ही हम होम्योस्टेसिस करते हैं. चाहे बाहर की सराउंडिंग कैसी भी हो, चाहे बाहर कोई बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो, चाहे मैकेनिकल स्टिमुलस हो, पर अंदर का इन्वायरमेंट हमेशा सेम रहना चाहिए. वो सारी चीज़ें आती हैं होम्योस्टेसिस में. बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं ना, सारे सेल्स एक कांस्टेंट स्टेट में रहना चाहते हैं, और इसलिए हर सेल में होम्योस्टेसिस का फिनोमिना देखने को मिलता है.
और हमने कहा था कि होमियोस्टेसिस की जो मेंटेनेंस है वो कॉन्शियसनेस की तरह ही होती है, राइट. तो तीन मैकेनिज्म इसमें फिर से होते हैं. पहला रिसेप्टर, राइट. जैसे ये आपकी स्किन होगी, स्किन के ऊपर जितने भी रिसेप्टर हैं, पहला हो गया रिसेप्टर. रिसेप्टर किस काम में आएगा? सेंसिंग के काम में आएगा, राइट. वो सिग्नल को पकड़ेगा, वो सिग्नल को सेंस करेगा. जैसे प्रिक किया ना मैंने, ये इसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, जैसे पेन के रिसेप्टर्स हैं, तो जैसे प्रिक हुआ तो उसको सेंसेशन हुई. ये तो रिसेप्टर है, विच इज़ द सेंसिंग कॉम्पोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द ऑल्टरेशन इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट. चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाए, राइट, और उसमें जितनी भी अलग अलग टाइप की स्टिमुलस हो, उनको मॉनिटर करता है और उनको सेंस करता है आपका रिसेप्टर. देन इज़ रिसेप्टर ने आप सेंसेशन ले ली, और वो सेंसेशन जाएगी कहाँ? कंट्रोल सेंटर में. कंट्रोल सेंटर होता है आपका न्यूरल सिस्टम, आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सिग्नल को रिसीव करता है और उसे प्रोसेस करके उसे समझता है, उसे इंटीग्रेट करता है, ताकि जितना भी इंफॉर्मेशन उसके पास आई है वो उसको समझ सके और एक रिस्पॉन्स दे सके. देन इज इफेक्टर. इफेक्टर वो होता है जो कंट्रोल सेंटर ने जितना भी डाटा कलेक्ट किया ना, उसे समझा, तो वो उसका एक रिस्पॉन्स बनाता है और उसे भेजता है इफेक्टर को, ताकि इफेक्टर रिस्पॉन्स दे सके. इफेक्टर रिस्पॉन्ड टू द कमांड्स ऑफ कंट्रोल सेंटर एंड ईदर इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द स्टिमुलस वाया इफरेंट पाथवे. अब आती है गवर्निंग ऑफ ह्यूमन बॉडी. होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी में जितनी भी कांस्टेंट स्टेट है उसको मेंटेन करने के लिए आपको फीडबैक सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ती है. ये फीडबैक सिस्टम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव फीडबैक से जो भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाया जाता है, और नेगेटिव फीडबैक से जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कम किया जाता है. ठीक है, होम्योस्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट मेंटेन्स अ सर्टन बैलेंस. अगर आपकी बॉडी में बैलेंस नहीं है, जैसे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, उसका भी अगर बैलेंस नहीं है तो बॉडी के अंदर बहुत सारी डिफेक्ट्स या फिर डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं. तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. फर्स्ट वी विल स्टडी नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक में हम बॉडी के फंक्शन को कम करवाते हैं. पर क्यों? पहले हम देख लेते क्या होता है. आप गए जिम और आपने जिम में भर के एक्सरसाइज की, ढेर सारी हैवी वर्कआउट कर लिया, तो हैवी वर्कआउट करने के बाद क्या होती है? थकान होती है. पर उससे पहले भी कुछ चीज़ होती है, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, राइट, धड़कने बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाएगा, राइट. बीपी कैसे बढ़ेगा? आपको कैसे फील होगा? एकदम पूरी रेडनेस आ जाती है बॉडी में, ब्लड का फ्लश हो जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हाँफना शुरू कर देते हैं, आपको ढेर सारी ऑक्सीजन चाहिए. क्यों? क्योंकि मसल्स में एक्टिविटीज़ बढ़नी शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं. तो क्या होता है कि जैसे बीपी बढ़ गया, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो वो इंक्रीज इन प्रेशर इज़ नॉट अ गुड थिंग. बीपी तो हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए, राइट. तो वो जो इंक्रीज प्रेशर है वो एक स्टिमुलस की तरह काम करता है, और ये जो प्रेशर है इसे रिसीव करता है बारो रिसेप्टर. बारो बार का मतलब क्या होता है? प्रेशर हमें हमेशा बार में करते हैं ना चेक, 1 bar है, 2 bar है, ये उसकी यूनिट होती है. तो बारो रिसेप्टर रिसीव करते हैं इस इंक्रीज ब्लड प्रेशर को एज अ सिग्नल, और इसे भेजते हैं ब्रेन को. ये सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को और कहते हैं कि देखो ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रही है बॉडी से हमें कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ चुका है. तो ब्रेन इसे असेस करता है, इंटीग्रेट करता है, प्रोसेस करता है, समझता है, और एक रिपेरेटिव सिग्नल भेजता है आगे इफेक्टर को. और इसमें इफेक्टर कौन होगा? ब्लड कहाँ फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में. तो ब्रेन आपकी ब्लड वेसल को बताता है कि तुम्हारे अंदर जो प्रेशर है ना वो बहुत बढ़ चुका है, अगर इतना ही बढ़ता गया तो तुम फट जाओगी. ब्लड वेसल क्या होती है? फट जाती है. तो इसलिए वो ब्लड वेसल्स को बोलता है कि तुम डायलेट करो, मतलब रिलैक्स करो. जैसे ही वो रिलैक्स करेगी, ब्लड वेसल रिलैक्स करेगी, तो उसका डायमीटर बढ़ जाएगा. डायमीटर बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास वो ब्लड प्रेशर कम होकर नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है. तो नेगेटिव फीडबैक ने आपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम किया, उसकी एक्टिविटी को कम किया बैक टू नॉर्मल. तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक. नेक्स्ट वी हैव पॉजिटिव फीडबैक. इसके दो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, एक मेल बॉडी का, एक फीमेल बॉडी का. देखते हैं मेल बॉडी में क्या होता है. बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक जो बॉयज़ होते हैं ना, उनकी बॉडी की ग्रोथ नॉर्मल होती है. अच्छा, थोड़ा सा मसल मास बन गया, वो सारा खाने से जो उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है उसी के थ्रू होती है. पर जैसे ही वो प्यूबर्टी को हिट करते हैं, जैसे 11 और 14 की साल होती है ना, उसमें प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी आना उन्हें शुरू हो जाती है, तो उस टाइम क्या होता है, GnRH हार्मोन उनकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है. हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनता है, GnRH हार्मोन. और ये क्या करता है, ये गोनाड्स को, मतलब जो टेस्टिस होती हैं बॉयज़ में, उनको बोलता है कि टेस्टोस्टेरोन बनाओ, ठीक है. तो छोटे बच्चों में टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ता, प्यूबर्टी के बाद ही टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GnRH. और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो ऐसा थोड़ी ना बढ़ रहेगा,
वो तो अपना कुछ काम करेगा. तो टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? उसका काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बनाना, मसल बिल्डअप करना, फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर उन्हें बढ़ाना. वो वॉइस को बहुत कोर्स, बहुत हार्श बना देता है, साथ ही साथ हाइट को बहुत बढ़ा देता है. तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो प्यूबर्टी के बॉयज़ होते हैं उनमें. तो इसमें हो क्या रहा है? पॉजिटिव फीडबैक है. पॉजिटिव का मतलब है बॉडी की फंक्शनिंग को बढ़ाना. मतलब अब उसे कहते हैं, पहले तो बनता नहीं था टेस्टोस्टेरोन, अब जब GnRH के इन्फ्लुएंस में टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हुआ तो लगातार वो टेस्टोस्टेरोन की जो अमाउंट है वो बढ़ता ही जाएगा. ठीक है, वो हमेशा उसे इम्प्रूव करने को कहेगा कि भाई और से और ज़्यादा तुम टेस्टोस्टेरोन बनाते रहो. तो ये पॉजिटिव फीडबैक में आ गया. नेक्स्ट वी द एग्जाम्पल इज ऑफ फीमेल बॉडी. फीमेल बॉडी में हमने एग्जाम्पल लिया है चाइल्ड बर्थ का. जो भी फीटस होता है, बेबी होता है, वो यूट्रस में बनता है, राइट, वूम्ब में होता है. और जैसे ही वो फुली डेवलप हो जाता है ना, तो अब उसका बाहर आने का डिलीवरी का टाइम हो चुका है. तो बॉडी के अंदर अब कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगे. और वो कैसे होंगे? फुली डेवलप्ड फीटस गोज़ फॉर पाचुरेशन. अब वो क्या बाहर आना चाहता है, तो कैसे आएगा? जब यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और फीटस को बाहर को पुश करेंगी, तभी वो बेबी वूम्ब से बाहर आ जाएगा. जैसे कि ये, इसे आप समझ लीजिए, ये वूम्ब है, ये यूट्रस है, और इसके अंदर ये ह्यूमन बेबी मतलब फीटस डेवलप कर रहा है. जैसे ये फुली डेवलप होगा तो अब ये बाहर आना चाहेगा, राइट. पर ये बाहर कैसे आए? इजीली तो आ नहीं सकता. ये कैसे आएगा? जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगा, राइट, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये बेबी बाहर की तरफ पुश होगा और बेबी की डिलीवरी हो जाएगी. अब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? तो उसके लिए ह्यूमन बॉडी में हार्मोन बनता है, एंड दैट इज ऑक्सीटोसिन, या फिर इसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं. ये पिट्यूटरी में बनता है और ये यूट्रस की मसल्स के ऊपर एक्ट करता है और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है. तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती हैं मसल्स यूट्रस की, ये बेबी को बाहर को पुश करती हैं, ठीक है. और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये कम नहीं होनी चाहिए, ये टाइम के साथ लगातार बढ़ती जानी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए. इसीलिए हमारे पास जो ऑक्सीटोसिन का लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता रहता है, ताकि जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, लेबर पेन होती है ना, उस टाइम बहुत पेन होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज़ होती रही. वो जितनी कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी उतनी ही जल्दी बेबी की डिलीवरी हो सकती है. इसलिए ये ऑक्सीटोसिन का लेवल भी विद टाइम इंक्रीज़ होना चाहिए. और ये एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक का. मतलब बॉडी की एक्टिविटी बढ़ा देनी है, मतलब ऑक्सीटोसिन का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ते रहना चाहिए. तो ये क्लासिक एग्जांपल हो गया पॉजिटिव फीडबैक का, और यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म भी हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे.